मैं योगेश मैकेनिक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइक की जब चेन टाइट होना बंद हो जाता है, यानी जब चेन की टाइट करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है तो चेन काफ़ी ढीली हो जाती है, जिससे जब चलने में उसमें आवाज़ आती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें या तो चेन सेट नया डालना पड़ता है या फिर चेन को काट के छोटी करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक गाड़ी है जिसके अंदर चेन ढीली है लेकिन उसमें टाइट करने की जगह नहीं है बची हुई, तो अब हम उसको काटते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से उसको काटा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये चेन हमारी इतनी ढीली हो चुकी है और ये हमारा टाइट करने की गुंजाइश भी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी चेन को काटेंगे, तो काटने से पहले हमें ये देखना होगा कि चेन की कड़ी कितनी काटनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको लूज करके पहिए को बिल्कुल आगे कर देते हैं और फिर चेन की पोजीशन देखते हैं कितनी ढीली हो रही है और फिर कितनी चेन हमें काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने इसकी पहिए को आगे कर दिया है ढीला करके, अब हम आपको दिखाते हैं हमारी चेन कितनी ढीली हो रही है। देखिए ये चेन बिल्कुल ढीली हो गई है क्योंकि हमने इसके चेन एडजस्टमेंट को बिल्कुल लास्ट में कर दिया है, यानी पहिए को हमने लूज करके आगे खिसका दिया जिससे चेन और ज़्यादा ढीली हो गई। अब हम चेन के लॉक को खोलते हैं और फिर इसको नापते हैं कि चेन कितनी बड़ी हुई है जिससे हमें काटना पड़ेगा, जिससे अंदाजा होगा कि चेन कितनी काटनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके लॉक को खोल लेते हैं। दोस्तों ये लॉक हमने खोल लिया है, अब हम चेन को बिल्कुल एक्यूरेट लेते हैं जितना हमें चेन टाइट करने के लिए आवश्यकता है और हम चेन को लगा के देखते हैं कि चेन कितनी हमें काटनी पड़ेगी। दोस्तों इसके अंदर एक कड़ी निकलेगी चेन की, चेन यहाँ जुड़ी हुई थी, इसको हम निकाल नहीं सकते, इसके बाद वाले हिस्से को निकाला जाता और ये यहाँ आ रही है। तो दोस्तों हमें यही काटना पड़ेगा क्योंकि अगर ये काट देंगे तो ये मिलेगा नहीं, इसलिए चेन को यहीं से काटना पड़ेगा, यानी एक कड़ी चेन की हमें अलग करनी पड़ेगी। अब आप देखिए हम चेन को किस तरीके से काटते हैं। दोस्तों अब हम चेन को बिल्कुल आगे कर देते हैं जिससे काटने में आसानी होगी, हम चेन को बिल्कुल लास्ट में ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ लेने वाले को गियर में डाल देते हैं जिससे चेन नीचे निकलेगी नहीं। अब हम इसको छोटी करते हैं, तो हमें चेन को काटने के लिए इस तरीके की एक सुन्नी चाहिए और उसके साथ इस तरीके की कोई पैनी नुकीली चीज और चेन की कड़ी को बिल्कुल बाहर निकालने के लिए बारीक पिन और ऐसी दो बोल्ट या डेवरिया जो भी हमारे पास मिल जाए। तो दोस्तों हम इसको काटते हैं, दोस्तों नीचे कपड़ा लगा लेते हैं जिससे फर्श गंदी नहीं होगी। अब हम ये लगाते हैं क्योंकि हमने इसको नापा था जब ये यहीं आ रही थी, इस तीसरे पोर्शन पे आ रही थी, इसलिए इसी को काटते हैं। तो सबसे पहले इसको डेवरी के ऊपर रख के इसको प्रेस करते हैं। दोस्तों ये आधी निकल गई है। अब दोस्तों इसको प्लास की मदद से ये निकाल लेते हैं, ये हमने काट दिए। अब हम इस चेन को वापस गाड़ी में लगाते हैं। और लॉक लगा देते हैं। दोस्तों लॉक को हमेशा लॉक का खुला हुआ मुंह हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए और बंद वाला मुंह हमेशा पीछे की तरफ होना चाहिए, जिससे कभी कोई चीज़ टकराए भी तो लॉक खुले नहीं। और लॉक लगाने के बाद इसको इस तरीके से मूव करके देख लें, उसको हल्की सी चोट मार के भी देख लें। ये हमने इसको कर दिया है, अब हम इसकी चेन टाइट करते हैं। दोस्तों इस बोल्ट को कसना है जिससे पहिया वापस पीछे आएगा और हमारी चेन टाइट होती जाएगी। दोस्तों चेन को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको 10 से 15 mm की इसके अंदर प्ले रखनी है जो कि हो चुकी है। अब हम इसको वापस कर देते हैं।
कितनी ढीली होनी चाहिए दोस्तों। अब हम पहिए को कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। ये हमने पहिए को कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं हमारी चेन टाइट हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारी चेन टाइट हो गई है और जो ये पहले हमारा एडजस्ट करने का बिल्कुल लास्ट आ रहा था वो भी वापस अपनी जगह पे आ गया है। यानी अभी आगे इसमें चेन टाइट करने की जगह बची हुई है और ये चेन अच्छे से टाइट हो गई है। तो दोस्तों हमें लगा ये वीडियो आपको बना के दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। चाहेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते।